जय हिंद दोस्तों। अब हम 15 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस बैच में आपको 2001 से 2019 तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन को रेल घटना चक्र पब्लिकेशन ने अपनी इस किताब में चैप्टर वाइज दे रखा है। इन सभी क्वेश्चन को हम आपके लिए सॉल्व कराने जा रहे हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा कि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसे करना है। लगभग सभी क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत आती है कि एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम टाइम में उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर परफॉर्मेंस कैसे करना है। तो परफॉर्मेंस कैसे कर पाओगे, परफॉर्मेंस के लिए आपको पहले से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप परफॉर्मेंस कर पाओगे। जैसे एग्ज़ाम में आपके सहारा क्या है, आपके साथ में क्या जाना है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको ऑप्शन का यूज़ करना आना चाहिए। अगर ऑप्शन का यूज़ आप करना सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस रहेगा ऑप्शन के सहारे देख के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना, ठीक है। रेलवे ने ग्रुप डी एनटीपीसी का सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि जब सिलेबस नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना सिलेबस आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। रीजनिंग की भी और मैथ्स की दोनों बुक आ रही है, 2020 का एडिशन है, इसमें भी 4000 क्वेश्चन और उसमें भी 4000 क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देख ले, आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कम कीजिए, आरआरबी ग्रुप डी में जनरल साइंस कितने का आ रहा है, 25 नंबर। जनरल साइंस कितने का आ रहा है, 25 नंबर। रीजनिंग कितने का आ रहा है, 30 नंबर। मैथ्स कितने का आ रहा है, 25 नंबर। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कितना आ रहा है, 25 नंबर। अगर मैथ्स और रीजनिंग को जोड़ दिया जाए तो 55% रोल, और जनरल साइंस और जनरल अफेयर्स को जोड़ दिया जाए तो 45%। अर्थात 100% में से 45% रोल तो आपका मैथ्स और रीजनिंग का है ग्रुप डी में। अब बात करते हैं एनटीपीसी पे। एनटीपीसी के दो एग्ज़ाम होने हैं, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में मैथ्स आ रहा है 30 नंबर का, रीजनिंग आ रही है 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आ रहा है 40 नंबर का, और टोटल कितना है 100। आप देख पा रहे हैं कि 60% रोल मैथ्स और रीजनिंग का है, बाकी 40% रोल अदर सब्जेक्ट का है। अब बात करते हैं CBT 2 में इसका कितना रोल है। CBT 2 में मैथ्स आ रहा है 35 नंबर का, रीजनिंग आ रही है 35 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आ रही है 50 नंबर की, अर्थात 70 नंबर ओवरऑल 120 क्वेश्चन से। 120 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, अर्थात लगभग 60% क्वेश्चन ओवरऑल मोटा मोटा देखा जाए रेलवे के किसी भी एग्जाम में तो 60% रोल सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का है। तो आप सोच सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग पे कितना आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसा है नहीं कि आप सारे फार्मूले सारे ही चीज़ याद कर पाओ, तो हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन का सहारा लेके हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रेलवे घटना चक्र ने अपनी किताब में जिस चैप्टर वाइज सीक्वेंस से दे रखा है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, तो मैं नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको सारे बुक के पूरे पूरे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हमारा मेन फोकस रहेगा ऑप्शन की तरह करना, ना कि क्वेश्चन को बनाना। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 7 होगी, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, 9, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या होता है, उसका इनवर्स उल्टा, यानी कि 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2, 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, उनके व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/2। अब एक बात बताइए, क्या 1/2 में आप कुछ भी ऐड करोगे 1/2 आएगा, 1/2 है ना, आप 1/2 में कुछ भी ऐड करोगे क्या 1/2 आएगा। आपके पास 10 रुपये हैं, 1 रुपये 2 रुपये कोई और भी दे दे तो क्या आपके पास 10 रहेंगे, नहीं, 10 से बढ़ जाएंगे। एक पैसा भी दे देगा ना आपको तो 10 रुपये से आपके पास बढ़ जाएंगे। अगर 1/2 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो 1/2 से ज़्यादा आना चाहिए, 1/2 नहीं हो सकता। आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या 3 होगी, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, 9। यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या इनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। 6 का व्युत्क्रम होगा 1/6 और 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3। क्या इन दोनों को जोड़ के 1/2 आता है, आप चेक कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 6, 1+2, 3/6 बराबर 1/2। आप देख रहे हैं 3/6 का मतलब क्या होता है, 1/2, अर्थात ये ऑप्शन सही। जब कंडीशन फुलफिल हो गई तो और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन ने कहा था कि दो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर वैल्यू आपकी कंफर्म हो रही है, कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैं आपको हर
कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते रहूँगा। जैसे आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। तीन अगर किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है तो संख्या तीन से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित है तो संख्या नौ से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाजित हैं तो संख्या चार से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित हैं तो संख्या आठ से विभाजित होगी। ऐसा डिविजिबिलिटी रूल होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, लिखा है यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है तो वह संख्या तीन से विभाजित होगी। क्या संख्या के अंकों का योग करना है और तीन से विभाजित करना है? अब हमको ऐसे नहीं कि इसको काट काट के देखेंगे कि तीन एकम तीन बचा दो, तीन अट्ठे चौबीस, तीन एकम, इस तरीके से नहीं करना। आपको संख्या के अंकों का योग करना है। पाँच और चार नौ और तीन बारह और सात उन्नीस और आठ सत्ताईस और नौ छत्तीस, छत्तीस बटे तीन क्या डिविजिबल है? हाँ है। छत्तीस क्या तीन से डिविजिबल है? हाँ है। तो संख्या तीन से डिविजिबल होगी, लेकिन हमको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जब नौ डिविजिबल है तो नौ पहले ही कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने की क्या करोगे, पाँच और चार नौ ये भी कैंसिल हो जाएगा, आठ और सात पंद्रह ये भी हो जाएगा और तीन भी हो जाएगा। अर्थात पूरी संख्या तीन से डिविजिबल है, हमको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। चार और दो छः, तीन कैंसिल हो जाएगा, दो और एक तीन ये कैंसिल हो जाएगा, सात और पाँच बारह भी कैंसिल हो जाएगा। अर्थात ये संख्या भी तीन से डिविजिबल है। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं, नौ छः दो और एक तीन भी हो जाएगा, आठ और सात पंद्रह ये भी हो जाएगा, तो ये भी संख्या तीन से विभाजित है। इसको हम चेक करें कैसे करेंगे, आठ और सात पंद्रह ये कैंसिल हो जाएगा, चार और दो छः ये कैंसिल हो जाएगा, पाँच और चार नौ कैंसिल हो जाएगा। अर्थात हम बता सकते हैं किसी संख्या के अंकों का योग अगर तीन से विभाजित है तो संख्या तीन से विभाजित होगी। लेकिन अगर हमको पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है कि हमको सबको एडिशन करें, जैसे इसको हमने एडिशन किया था कितना आया था 36, 36 को करने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही जब नौ से जो संख्या कट रही है उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो आपको एडिशन करने की जरूरत नहीं है, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 5 18, संख्या के अंकों का योग 18, 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही काट सकते हैं जोड़ के, डायरेक्ट ही इन दोनों को जोड़ के कि संख्या जहाँ पर 9 हो रहा है उसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चेक करें कि दो और एक तीन और तीन छः, दो आठ और एक संख्या के अंकों का ये भी नौ है, इसमें देखें हम तो पाँच चार नौ ये कैंसिल हो रहा है, आठ और एक नौ ये कैंसिल हो रहा है, छः सात और दो नौ ये कैंसिल हो रहा है, छः और तीन नौ ये कैंसिल हो रहा है। पूरा एडिशन करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें भी देख सकते हैं पाँच और चार नौ ये कैंसिल हो जाएगा, सात और दो नौ ये कैंसिल हो जाएगा, नौ नौ छः और तीन ये भी कैंसिल हो जाएगा। अर्थात हम बिना एडिशन किए भी संख्या के अंकों का योग निकाले बिना ऑप्शन को बता सकते हैं कि कौन नौ से विभाजित होगा और कौन नहीं। नेक्स्ट यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाजित हैं तो संख्या चार से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं कि अंतिम दो अंक, आपको फोकस कहाँ करना है, अंतिम दो अंक पर। यदि अंतिम दो अंक चार से विभाजित हैं तो संख्या पूरी चार से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। आप देख सकते हैं कि 12 चार से कटता है, विभाजित होता है, हाँ होता है, तो संख्या चार से विभाजित होगी। इससे पहले क्या लिखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चेक करना है लास्ट टू डिजिट। अगर लास्ट टू डिजिट आठ चार से विभाजित है तो संख्या चार से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। आप देख सकते हैं 08 चार से विभाजित है, हाँ विभाजित है, तो संख्या चार से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं 92 चार से विभाजित होती है, 23 चौक 92 हाँ विभाजित होती है, तो संख्या चार से विभाजित होगी। नेक्स्ट यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित है तो संख्या आठ से विभाजित होगी। आपको चेक करना पड़ेगा अंतिम तीन अंक, यदि अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित हैं तो संख्या आठ से विभाजित होगी। आप पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अंतिम तीन अंक पर फोकस कीजिए। क्या 160 आठ से कटेगा, हाँ कटेगा, तो ये संख्या आठ से विभाजित होगी। इससे पहले क्या लिखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लास्ट थ्री डिजिट पर कंसंट्रेट करना है। यदि लास्ट थ्री डिजिट आठ से डिविजिबल है तो संख्या आठ से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं। आप 248 को देख सकते हैं, यदि आठ से विभाजित है तो ये संख्या आठ से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं। आप 064 को भी देख सकते हैं, 064 8 से डिविजिबल है तो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वो 6 के फैक्टर 2 और 3 से विभाजित होगी। 6 कैसे मिलकर बनाए, 2 और 3 का प्रोडक्ट से बनाए। अब 6 से कोई भी संख्या ले सकते हो, आप 12 ले लो, क्या 12 6 से विभाजित है, हाँ 12 6 से विभाजित है, तो 12 6 के फैक्टर 2 से विभाजित है और 12 6 के फैक्टर 3 से विभाजित है। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप 18 ले लो, 24 ले लो, 6 से 6 5 30 ले लो। अगर 30 6 से विभाजित है तो 30
छः के फैक्टर यानी कि 2 और 30, 6 के फैक्टर अर्थात 3 से भी विभाजित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड, इसको आप और एक चीज़ और देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन चेक करना पड़े तो आपकी ये ऑप्शन 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो आपको ये पता है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो 2 से विभाजित कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। अगर कोई सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये सभी नंबर इवन नंबर अर्थात सम संख्या हैं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमें चेक करना पड़ेगा 3 से। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो संख्या 6 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 2 से तो सभी विभाजित हैं। आप चेक कर सकते हो। आप ऐसे मत करना कि 5 और 6 11 8 19 27 और 27 3 से विभाजित होता है, नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। आप कह सकते थे कि 6 तो 3 से कट रहा है तो उसको जोड़ के क्या करें, अब यहाँ पर जोड़ लो 8 8 16 5 21 21 भी 3 से घटता है, 3 2 और 1 3 7 5 12 भी 3 से डिविजिबल है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 9 7 और 1 8 और 4 12, आप यहाँ चेक कर सकते हो, 7 और 2 9 5 और 2 7 और 4 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। आपको पूरा एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर अगर 3 का फैक्टर मिले तुरंत उसको काट सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमने अभी देखा कि 4 से विभाजित होने का मतलब है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या 54 4 से विभाजित होता है? क्या 54 4 से विभाजित होता है? नहीं होता, ये इंटीजर नहीं देगा। क्या 66 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं हो सकती। क्या 76 4 से विभाजित होता है और 19 चौक 76 होते हैं तो उसको होल्ड करते हैं, अभी हम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि इसको हम टेक कर सकें। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या 90 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा, जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथे की उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 276x1, एक नंबर लिखा है 276x1, कह रहा है ये 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या है? तो x के संभावित मानों का योग निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं, 7 और 2 9 6 15 और 1 16, संख्या के अंकों का योग 16 प्लस x बटे 3, यहाँ पर x का मान रख के चेक कर सकते हैं। लेकिन इतना करने की ज़रूरत क्या है? आपको पता है 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएंगे, 6 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस x। अब x की आपको मान रखना है कि x का क्या मान रखूँ कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो x का कम से कम क्या मान रखोगे? आप x का कम से कम अगर 2 रखोगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब x का क्या रखोगे? अगर इसको 6 बनाना है, 3 के बाद क्या कटेगा? 6 कटेगा, तो इसको 5 रख दो तो भी ये 3 से डिविजिबल होगा। और क्या रख सकते हो आप? क्या रख सकते हो आप? 8 रख दो, ये 9 हो जाएगा तो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप x की जगह क्या रख सकते हो? 2 5 और 8, इनका पूछा है सम, तो इन दोनों तीनों का सम होगा 2 7 8 2 7 और 8 15। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने का मतलब संख्या 6 के फैक्टर 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि सभी सम संख्याएं हैं तो ये 2 से तो विभाजित होंगी। हमको अब चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर 3 से विभाजित है और नहीं। तो 3 से विभाजित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संख्या के अंकों का सम करना पड़ता है। तो सम करने के क्या करें हम? क्यों काटें? 2 और 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल नहीं होगा, ये तो अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 और 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 4 12 भी कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या 3 से डिजिट है तो इसको होल्ड करते हैं, अभी हम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि इस आंसर को हम लगा पाएं। 2 और 1 3 3 4 और 4 8 नहीं कटता है तो नहीं हो पाएगा। 2 और 1 3 3 4 बचा के 4 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, अर्थात बी का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने का मतलब है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5 बचाना। क्या 5 9 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6। क्या 6 9 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 7 8 9 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। क्या 3 9 से कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन जब गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी होगी। ऑप्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करने बैठना है कि 3 गलत हो गए चौथे को भी चेक कर लूं। नहीं, जब 3 गलत हो गए तो चौथा का करेक्ट होना उसकी मजबूरी होगा। लेकिन आप यहां पर बैठे तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9, ये 9 कैंसिल हुआ और ये 9 कैंसिल हुआ। ठीक है, आपको सम करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप टुकड़ों में भी इसको काट सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है? 175 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है 175 के फैक्टर 25 सत्ते 175 2507 से भी डिविजिबल होने चाहिए। हम देख पा रहे हैं तो 25 से तो लगभग सभी नंबर डिविजिबल हैं, तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा 7 से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप 7 से डायरेक्ट काट के देखो क्या 507 से कटेगा, नहीं कटेगा। 875 क्या 7 से कटेगा? 875 7 से कटेगा। हमको देखना है कि 875 क्या 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, और डायरेक्ट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतिम अंक का डबल करो, अंतिम अंक का डबल करो, अंतिम अंक का डबल करके इसमें से घटा दो। जैसे 875 लिखा है ना, तो अंतिम अंक हटा दो, अंतिम अंक हटा दो, कितना हटाया 5, इसका डबल 10 घटा दो, कितना बचेगा 77। क्या 77 अंक 7 से डिविजिबल है? तो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का विभाज्यता का नियम। यदि कोई अंक 7 से विभाजित है, कोई संख्या 7 से विभाजित है, तो अंतिम अंक हटाओ, उसका डबल करके घटा दो। तो संख्या अगर 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे नंबर है तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 एकम 7, 17 7 दूना 14 3 35, 7 पंजे 35, तो ये डिविजिबल है। 7 दूना 14 17 हो गए, 7 दूना 14 3 35, 7 पंजे 35, ये भी डिविजिबल है, यानी कि विभाजित होता है। 7 दूना 14 5 51, 7 सत्ते 49 2 25, 25 हो रहा है ना, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 7 तिया 21 5 52, 7 सत्ते 49 3 35, 7 पंजे 35, ये कैंसिल हो जाएगा। 28 7 4 28 50 कैंसिल नहीं होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, 7 चौक 28 52 3 बचा 7 चौक 28 52 हो गए, 7 सत्ते 49 3 35 बचा, और 7 पंजे 35 ये डिविजिबल हो जाएगा। 7 छंग 42 13 बचा, 7 एकम 7 6 65, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कितने नंबर, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो ये संख्या 175 से डिविजिबल होने वाले नंबर 4 होंगे। मैंने 7 का विभाज्यता का नियम आपको बताया, यदि कोई संख्या जैसे यहाँ पे ले लो 1575, क्या 1575 7 से डिविजिबल है? तो 7 का डिविजिबिलिटी का रूल विभाज्यता का नियम होता है, अंतिम संख्या हटाओ और इसका डबल यानी कि 10 इसमें से घटा दो। क्या 147 अगर 7 से डिविजिबल है तो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ये चीज़ हम तब यूज करते हैं जब नंबर बड़े हो, जब छोटे छोटे नंबर हैं तो हमको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, हमको कोई भी विभाज्यता का नियम लगाने की ज़रूरत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाजित? 3 से विभाजित होने का मतलब है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने का मतलब है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसको आप ऐड करो, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, क्या 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं हो सकती। आप चेक कर सकते हो, 3 4 5 6, क्या 6 3 से कटेगा? हाँ कटेगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसको होल्ड करते हैं, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, 4 5 6 7, क्या 7 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। संख्या के अंकों का योग कितना है? 4, 4 3 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बी का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मात्र दो फैक्टर हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर हों, अर्थात वो स्वयं से कटे और एक से कटे, अर्थात जिन नंबर के दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से मैंने लिखा है 2 डिजिट नंबर तक। 2 डिजिट नंबर तक मैंने यानी कि 100 से कम 99 सबसे बड़ा दो अंक का नंबर होता है, तो हमने लिखा है 99 तक। आगे नंबर तक आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर बात करें तो 2, सबसे छोटा सम प्राइम नंबर, सबसे छोटा सम संख्या जो प्राइम नंबर होती है वो भी 2, और सबसे छोटी विषम प्राइम संख्या पूछे तो वो 3। सबसे छोटी विषम प्राइम संख्या वो 3। एकमात्र 2 सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 50 तक के बीच में बताओ, कि 1 से 50 तक के बीच में बताओ प्राइम नंबर कितने होते हैं, अर्थात 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो अभाज्य संख्या होती हैं 2 से स्टार्ट होकर, 2 3 5 7। ये 2 क्यों होता है? क्योंकि इसका एक फैक्टर है और 2 है। कोई भी दूसरा नंबर ले लो आप, इसका फैक्टर 1 है और 11 है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। जब इनका कोई फैक्टर नहीं है, जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं वही अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर होते हैं। तो इस तरीके से हम इनको चेक कर सकते हैं। तो 1 से लेके 50 तक
प्राइम नंबर कितने होते हैं। एक से लेके 50 तक प्राइम नंबर होते हैं 15, आप चेक कर सकते हैं। एक से लेके 50 तक प्राइम नंबर की संख्या होती है 15 और 50 से लेके 100 के बीच प्राइम नंबर की संख्या होती है 10। एक से लेके 100 तक प्राइम नंबर की संख्या होती है 10। अगर पूछ ले कि एक से 100 तक प्राइम नंबर की संख्या बताओ तो एक से 100 तक प्राइम नंबर की संख्या होगी 15 और 10 25। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं की अंतर्गणना करो। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की, सबसे बड़ी अभी हमने देखा था, सबसे बड़ी प्राइम नंबर की संख्या क्या थी 97, और सबसे छोटी था दो, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट का था, हमको बताना है कि टू डिजिट का। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या थे, 2, 3, 5, 7, 11, तो हमें बताना है टू डिजिट का। तो टू डिजिट के ये तो है नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू डिजिट का कौन सा है, 11, 11। तो हमसे पूछा क्या है इन दोनों का बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 86। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ उतना नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जितना सिर्फ क्वेश्चन ने पूछा, उसके साथ में जितने भी चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पूछा जाए 1, 2, 3, ……n, n की n प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, n प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से स्टार्ट होकर n नंबर तक जाए, एक से स्टार्ट होती हैं वो n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूछा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n n+1/2। एक फार्मूले के तौर पर यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 100 तो लिखा है, इनका अगर सम पूछा जाए तो n की जगह कितना हो जाएगा 100, n की जगह हो जाएगा 100 और 100+1/2, 2 से ये 50 में जाएगा, 50 × 101 ये आएगा 50। ओके, नेक्स्ट। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n n+1 2n+1/6 n n+1 2n+1/6। ठीक है, नेक्स्ट। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएंगे रिकॉल करने में। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो होता है n n+1/2 होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हटा दिया जाए तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाता है, अगर होल स्क्वायर लगा दिया जाए तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। अभी हमने एक फार्मूला देखा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल क्या होता है, n n+1 2n+1/6। ये देखा था हमने, n की जगह कितना रखना पड़ेगा 10, n+1 कितना हो जाएगा 11 और 2n+1 कितना हो जाएगा 10 × 20 और 21/6। 2 × 5 = 2, 3 से काटेंगे 3 × 7 = 35 × 11। अब 3511 की गुणा कर सकते हैं, अब 3511 की गुणा आप, एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे कर लो 3511, दूसरा तरीका ये है कि 35 को आप कैसे ले सकते हो, आप 35 को 35 रहने दो, 11 को लिख लो 10+1। अगर 11 को लिख लिया 10+1 तो 35 × 350 और 35 × 35 इन दोनों को जोड़ा जाए तो 385। आप अगर थोड़ी सी अभ्यास कर लें, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस लगा लें तो आप टू डिजिट एडिशन का, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ओरली बिना कुछ लिखे। 3385 इस सवाल का होगा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूछा है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + …10 का क्यूब = इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3025, तो इसका हमको मान पूछा है। आप देख सकते हैं 2³ + 4³³ + 6³³ + …20³। क्या मैं यहां से इसको 1³ × 2³ लिख सकता हूं, प्लस इसको लिख सकता हूं 2³ × 2³ प्लस इसको लिख सकता हूं 2³× 3³ प्लस …2³× 10³। क्या यहाँ से 2³ कॉमन ले सकता हूँ, हाँ मैं 2³ कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा 1³ + 2³ + 3³ + …10³। आपको पता है 2³ का मतलब कितना होता है, 2³ का मतलब होता है 8 और इस पूरे की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 3025।
3025। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट से करते हो 8 × 5 = 40, नहीं। अब ये देखो 8 × 3 = 24, 24000 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, 24000 से ये ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा नहीं, 24000 से ज़्यादा ये है, तो ये सवाल का होगा सही आंसर। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्या है गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 100 तक गिनती सीख रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ों की सूच सीख रहे हैं कि छोटी चीज़ें ना सीख के आप बड़ी चीज़ों के आपके बहुत बड़ी हो जाती हैं कि आपको लगता है ये क्या आ गया, और लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो बड़ी चीज़ आप पर हावी नहीं होंगी। तो इनके लिए आपको क्या करना है, आपके लिए इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना है। देखा तो सब नए हैं लेकिन उसको कॉन्सेप्चुअल की तरह से नहीं देखा कि हम इसको कॉन्सेप्चुअल अपनी क्लियरिटी बना सकें, कि आप अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड तो हम आसानी से इसको बता सकें। इसको थोड़ा जूम कम करिए, टेबल पूरी दिखाइए। ये क्या लिखा है, गिनती लिखी है। आप किसी भी एक नंबर को रैंडमली किसी भी नंबर को उठाइए, रैंडमली किसी भी नंबर उठाइए, आपने उठाया 4, आप यूनिट डिजिट के स्थान पर चेक कीजिए, आप यूनिट डिजिट के स्थान पर चेक कीजिए कि 4 कितनी बार आया है। तो जहाँ जहाँ 4 दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा टिक कर लीजिए। यही तो मिला है कि क्या यूनिट प्लेस के स्थान पर आपको कहीं 4 और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कितनी बार मिला, 10 बार। इकाई के स्थान पर 4 कितनी बार मिला, 10 बार। अब हम बात करते हैं कि दहाई के स्थान पर कितना है, तो दहाई के स्थान पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दहाई के स्थान पर हमने देखा, दहाई के स्थान पर हमने देखा तो भी 4 कितनी बार मिला, 10 बार। अर्थात 4 को हमने पूरी टेबल में देखा तो हमको कितनी बार दिखाई दे रहा है, 20 बार। आप देख सकते हैं क्या कहीं पर 4 और दिख रहा है आपको, इन नंबर के अलावा कहीं आपको 4 दिख रहा है, तो 4 तो नहीं दिख रहा है। तो 10 बार इकाई के स्थान मिला, 10 बार दहाई के स्थान मिला। आप किसी भी एक नंबर को और चेक कीजिए, आप किसी एक नंबर को और चेक कीजिए, कोई सा उठा ले, 8 लीजिए, 1 2 इकाई के स्थान पर चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने चेक किया 4 8 चेक किया, अब 8 को आपने देखा तो इकाई के स्थान पर कितनी बार मिला, 10 बार। अब दहाई के स्थान पर चेक कीजिए, दहाई के स्थान पर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दहाई के स्थान पे हमने देखा, हमने दहाई के स्थान पे देखा तो भी कितनी बार मिला, 10 बार। तो क्या सभी नंबर को चेक करते रहेंगे, नहीं। अर्थात आप देख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 से लेकर 9 तक की संख्याएं 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 20 बार आती हैं, जिनमें 10 बार इकाई के स्थान पर प्रयोग होती हैं और 10 बार दहाई के स्थान पर प्रयोग होती हैं। अब बात करते हैं 1 की, 1 के साथ क्या होता है, 1 भी 10 बार इकाई के स्थान पर, 10 बार दहाई के स्थान पर, और आप देख पा रहे हैं कि एक बार सैकड़े के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तो कितनी बार 1 का प्रयोग हुआ है, 21 बार 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 का प्रयोग 21 बार हुआ है, और सभी नंबर का 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी नंबर का 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 20 बार प्रयोग हुआ है, 10 बार इकाई के स्थान पर, 10 बार दहाई के स्थान पर। ठीक है, अब बात करते हैं 0 की, 0 क्या रोल प्ले करता है इसमें। अब 0 को देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने देखा कि 0 10 बार इकाई के स्थान पर प्रयोग हुआ है, 10 बार इकाई के स्थान पर प्रयोग हुआ है, और एक बार दहाई के स्थान पर प्रयोग हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 11 बार आता है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 11 बार आता है, 10 बार इकाई के स्थान पर और 1 बार दहाई के स्थान पर। ऐसे हम सभी नंबर को अब बता सकते हैं, कोई भी नंबर रैंडमली हमसे पूछ लिया जाए तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इकाई के स्थान पर कितनी बार आएगा और दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। एक बार इस चीज़ को मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ, 2 से लेकर 9 तक 2 3 4 5 7 6 8 9 ये नंबर 20 बार आते हैं, 10 बार इकाई के स्थान पर और 10 बार दहाई के स्थान पर। एक ऐसा नंबर है जो 10 बार इकाई के स्थान पर, 10 बार दहाई के स्थान पर और 1 बार सैकड़े के स्थान पर प्रयोग होता है।
बात करते हैं जीरो की। जीरो एक ऐसा नंबर है जो 10 बार इकाई के स्थान पर प्रयोग होता है और एक बार दहाई के स्थान पर प्रयोग होता है। इस तरह हम सभी नंबर को आसानी से बता सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? अभी आपने चेक किया कि अंक 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 कोई भी अंक हो, 10 बार दहाई के स्थान पर, 10 बार इकाई के स्थान पर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे कुछ ही पूछ ले जाए आप बेहद आसानी से इसको बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। 18 का गुणज होने का मतलब है कि वो 9 और 2 का भी गुणज होना चाहिए। 9 और 2 का गुणज होना चाहिए। 9 से 2 से तो सम संख्या होती है, ये सभी नंबर सम नंबर हैं, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो 2 से चेक करने का तो कोई फर्जी बेकार है, फालतू में चेक करेंगे। ठीक है, हम चेक करते हैं 9 से। अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो हमें पता है कि वो 18 से भी डिविजिबल होगी। आप इसको अब 9 से चेक करने का डिविजिबल पता है आपको, 9 से चेक करने का विभाज्यता का नियम पता है आपको कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इस संख्या के अंकों का योग ही 1 है, क्या 1 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और हमसे पूछा क्या, वह छोटी से छोटी, तो सबसे छोटा नंबर ये देखा आपको, इससे बड़ा नंबर कौन सा है? इससे बड़ा नंबर ये छोटा सा। अगर मान लो ये ऑप्शन मिल भी गया, अगर मान लो मिल भी गया तो करोगे क्या? अरे आपको बताना कौन सा था, छोटी से छोटी संख्या, तो बड़ी से बड़ी काहे चेक कर रहे हो भाई? हमको छोटी छोटी पूछा है ना, तो छोटे से नंबर चेक करो। आप इससे बड़ा नंबर है, क्या ये 6 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ये 9 से विभाजित होगा? क्या ये 9 से विभाजित होगा? संख्या के अंकों का योग है 9, क्या 9 से विभाजित होगा? हाँ ये होगा। और ये इस नंबर से तो छोटा है, हाँ हो, क्यों? पहली बात तो हम नीचे से चल रहे हैं ना, हम सबसे छोटा नंबर चेक कर रहे हैं। सबसे छोटा नंबर चेक किया, ये नहीं हुआ। इससे बड़ा नंबर चेक किया, ये भी नहीं हुआ। तो इससे बड़ा ये मिल गया तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको कहीं मिल भी गया तो इसका करोगे क्या? हमें तो बताना था छोटा, ये तो नंबर है बड़ा। ठीक है, तो ये नंबर हमारा होगा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होते हैं, भाजक क्या है? इस सवाल को समझने से पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप इन नंबर को थोड़ा छोटा कर लीजिए। एक संख्या प्रणाली में 28 को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल 5 और शेष 3 प्राप्त होते हैं, भाजक क्या है? आप देख पा रहे हो कि 28 को किसी नंबर से भाग करने पर कितना मिल रहा है? 5। 28 को एक संख्या से किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 5 और शेषफल 3 प्राप्त होते हैं। इस सवाल को आप डायरेक्ट करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब बताएं कि 28 को किस नंबर से भाग करें, 28 को किस नंबर से भाग करें कि शेषफल 3 मिले और भागफल 5 मिले। आपको पता है पचम 25 और 3 28, अर्थात इस नंबर में से अगर मैं 3 घटा दूं, 28 में से 3 घटा दूं तो क्या मिलेगा? 25। ये किस नंबर से भाग करके 5 देगा? तो हम बहुत ही बेहद आसानी से बता सकते हैं कि 5 से विभाजित करने के 5 देगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या प्रणाली में इसको संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होते हैं। 14,528 को शेषफल 3 प्राप्त होते हैं ना, तो 3 को पहले ना घटा दो। अर्थात हम इस सवाल को ये मान सकते हैं कि 3 घटाने के बाद 14,525 को किस नंबर से भाग दें कि भागफल 83 मिले। अब एक काम कर सकते हैं कि एक्स को इधर ले आए, एक्स को इधर ले आए, एक्स का ऐसे इसको काट पीट के आंसर निकाल सकते हो। लेकिन नहीं, हमको करना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रखनी है और ऑप्शन का सहारा लेना है। तो ऑप्शन है जब आपके पास तो ऑप्शन का सहारा लो। अगर एक्स का मान 165 रखा, अगर एक्स का मान 165 रखा तो 16 नेमा 144, 16 नेमा 144 लगभग 90 के समथिंग कटेगा। आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर रखनी पड़ेगी आपको कि 16 नेमा अगर ये 9 बार में भाग करूं तो लगभग 9 बार में जा रहा है, 90 के समथिंग जाएगा, लेकिन है ये 83 के समथिंग, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैंने ऑप्शन उठाया 185, अगर मैं 185 कर रहा हूं तो 18 144 होता है, 18 144 होता है, तो ये संख्या इससे भी ऊपर जा रही है। अगर मैं इसका 8 बार करूंगा तो ये ऊपर जा रही है। मेरे को तो 80 भी नहीं मिल रहा, मेरे को तो 83 चाहिए, तो ये भी संख्या नहीं हो सकती। आप देख सकते हो दोबारा बहुत तसल्लीपूर्वक, वरना आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक्स है
तिरासी को उधर लाइए, एक्स को उधर लाइए, काटा पीटी करते रहिए, समय को बर्बादी करिए, ठीक है। लेकिन इससे आंसर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, सिलेक्शन तब होगा जब आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे। आपने अगर 185 लिया तो आप देख सकते हैं 18 144 होता है तो 8 बार में जा रहा है, 8 से भी कम। अगर 18 144 कर रहे हो, 144 और 5 24 तो कितना हो जाएगा, इससे तो ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हो कि अगर 185 की गुणा मैं 80 से कर दूँ, 185 की गुणा अगर मैं 80 बार कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। 8 5 40 का 0 मिल जाएगा, 8 5 40 4 18 8 144 148 14,800, ये है 14,500, तो कि ये जा रहा है 8 बार में, नहीं जा रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने देखा 195, अगर 195 करोगे तो 19 7 133, अगर 7 बार दूंगा तो 19 7 133 और 8 बार दे दिया 19 8 152, ये तो यहाँ पर 152 आ जाएगा ना, 19 8, तो ये भी संख्या यहाँ पर काट के 83 नहीं मिलेगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे की मजबूरी गई, लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 175 से भाग देने पर 83 आपको मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए ऑप्शन में, आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखिए, बहुत आसानी से किए ऐसे कैसे होगा। अंकों 3 7 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर क्या होगा यदि अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार हो। तो सबसे बड़ा नंबर बनाओ, इन नंबर से मिला के सबसे बड़ा नंबर बना सकते हो आप 9 7 3 0। आप सबसे छोटा नंबर बना क्या ये बना सकते हो 0 3 7 9, नहीं, ये नंबर हो गया 3 अंकों का, हमको बताना है 4 अंकों का, तो ये नंबर नहीं हो सकता। 3 अंकों को छोटा से छोटा बनाओ तो बनेगा 3 0 7 9। हमसे पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि आप सिंगल डिजिट से घटा सकते हो, दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप ओरली कर सकते हो। अब ये 30 है, 30 में से 79 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक लिया 130 में से 79 निकालेंगे, बचेगा 51। तो लास्ट में देखिए क्या 51 यहाँ है, नहीं, क्या 51 यहाँ है, नहीं है, 51 यहाँ है, नहीं है, 51 कहाँ ये है, तो ये सवाल का सही आंसर होगा, आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन भाई साहब का क्या काम, इनको भी देख लीजिए, आप देख पा रहे हो, आपने देखा होगा सवाल छोटे छोटे सवाल आते हैं कि स्थानीय मान बताओ और जातीय मान बताओ, किस सवाल का स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि स्थानीय मान क्या होगा जातीय मान क्या होगा। आप इन दोनों को देखिए, ये अभिषेक बच्चन, ये अमिताभ बच्चन, ये अभिषेक बच्चन, ये अमिताभ बच्चन, जानते भी होंगे आप। आप एक बात बताइए, इन दोनों के सरनेम क्या है, बच्चन, ठीक है। क्या कभी ये जब एक्टर नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, तो क्या इनका नाम के आगे कुछ और लगा हुआ था, तभी तो ये अमिताभ बच्चन थे, और ये जन्म से ही अभिषेक बच्चन है, ये भी जन्म से अमिताभ बच्चन है, लेकिन फर्क पड़ता है कि इनका स्थान चेंज हो रहा है कि जाति चेंज हो रही है, इनका जाति मान चेंज हो रहा है क्या, स्थानीय मान चेंज हो रहा है, इनका जाति मान क्या चेंज हुआ आज तक, इन दोनों का क्या जाति मान चेंज हुआ, ये स्टार्टिंग से जब ये इनका जन्म हुआ होगा तभी से ही अमिताभ बच्चन रहे होंगे, ठीक है, और आज भी अमिताभ बच्चन है, क्या इनका स्थान चेंज, जब इनका जन्म हुआ था तो क्या इस रुतबे के साथ रहे थे, ये जितना रुतबा इनका आज है, हाँ नहीं, इनका स्थान चेंज हुआ है, जैसे जितना रुतबा इनका है उतना रुतबा इनका है नहीं, लेकिन जितना जातिमान इनका है उनका जातिमान इनका है, बराबर है, जातिमान तो एक है लेकिन स्थानीय मान में डिफरेंस है, तो इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं। एक इमेज और देख सकते हैं आप, नेक्स्ट इमेज दिखाइए। प्रहलाद मोदी, नरेंद्र मोदी, ये दोनों भाई भाई हैं। अब ये देखिए कि इनका भी सरनेम मोदी है, इनका भी सरनेम मोदी है, क्या इनका जातिमान अलग है, इन दोनों का जाति मान अलग है, नहीं है, इन दोनों का जाति मान सेम है, तो डिफरेंस है तो क्या, इन दोनों का डिफरेंस है तो क्या है, इन दोनों का स्थानीय मान अलग है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नॉर्मल, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नॉर्मल हैं, तो इनका स्थानीय मान लगातार बढ़ता गया, कहाँ से स्टार्ट हुई इनकी जर्नी और कहाँ पहुँच गई, तो ठीक है जब सीएम रहे होंगे तो उनका रुतबा थोड़ा, इनका स्थान चेंज कम रहा होगा, अब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इनका स्थान बढ़ गया, अर्थात हम सवाल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि स्थानीय मान चेंज हो सकता है लेकिन किसी भी नंबर का जातीय मान चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। एक नंबर लिखा है 3 का स्थानीय मान कितना है, इस 3 को स्थानीय मान से समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ,
5729। एक नंबर लिखा है, एक नंबर लिखा है, हमसे पूछा जाए कि 9 का जातीय मान क्या होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। इनका जातीय मान जो है सो रहेगा, कभी भी चेंज होने वाला नहीं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, नरेंद्र मोदी और प्रहलाद मोदी, इन चारों लोगों को देखा कि इनका जातीय मान चेंज नहीं है, लेकिन स्थानीय मान चेंज होता रहा है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, 3928। 8 का जातीय मान क्या होगा? 8। 2 का जातीय मान क्या होगा? 2। 9 का जातीय मान क्या होगा? 9। 3 का जातीय मान क्या होगा? 3। अब फर्क पड़ता है तो किस में? फर्क पड़ता है तो किस में? स्थानीय मान में फर्क पड़ता है, तो स्थानीय मान को आप देख सकते हैं। स्थानीय मान के लिए आप क्या करना पड़ेगा? एक नंबर लिखा है 3792, ठीक है। जाति मान तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि 2 का जाति मान 2, 9 का जाति मान 9, 7 का जाति मान 9, 7 और 3 का जाति मान 3। अब बात आती है कि स्थानीय मान, स्थानीय मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर होता है यूनिट प्लेस के स्थान पर, अरे कंपेयर तो करोगे ना कि बंदक इस पोजीशन से कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो यूनिट प्लेस के स्थान पर जो नंबर होता है वो उसका जातीय मान भी होता है और उसका स्थानीय मान भी होता है। जातीय मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस, प्लेस वैल्यू, ठीक है। इनका स्थानीय मान और जातीय मान हमें बताना है, तो जो यूनिट प्लेस के स्थान पर होता है उसका जातीय मान और स्थानीय मान सेम होता है। जितना आगे बढ़ेगा उतना रुतबा इनका बढ़ता जाएगा। जैसे इसका प्लेसिंग वैल्यू यानी कि स्थानीय मान 2 है, इसकी प्लेसिंग वैल्यू, इसकी प्लेसिंग वैल्यू 90 है, इसकी प्लेसिंग वैल्यू 700 है और इसकी प्लेसिंग वैल्यू 3000 है, ओके। एक एग्जांपल और लीजिए, अगर यहाँ पर 4 और ले लो तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 के आगे कितने नंबर हैं? 4 नंबर, तो 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जब नॉर्मल नंबर में तो आप कर पाओगे, अगर आ जाए डेसिमल आ जाए तो आप क्या करोगे? डेसिमल वाला देख लो, डेसिमल वाला इसी को देख लो। यह पूछा है कि इनमें अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान पूछा है हमसे और हमको पता है कि जातीय मान तो सेम होगा, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 0 का जातीय मान 0, 2 का जातीय मान 2 और 1 का जातीय मान 1 होगा, लेकिन स्थानीय मान अलग होगा। स्थानीय मान ही कन्फ्यूजन करता है, जातीय मान में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बताना, मैंने कहा था कि जो यूनिट प्लेस के स्थान पर होता है विदाउट डेसिमल में, वो ही उसका जातीय मान होता है, वो ही उसका स्थानीय मान होता है। तो इसका जातीय मान भी 2 है और इसका स्थानीय यानी कि प्लेसिंग वैल्यू भी 2 है। इसका प्लेस जातीय मान तो एक ही होगा, लेकिन प्लेसिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लेसिंग वैल्यू हो जाएगी 10। इधर बढ़ने पर इसकी पोजीशन बढ़ रही है, तो इधर बढ़ने पर इनकी पोजीशन घटेगी। आपको ये 3 है, 3 का पूछा है, तो 3 को एक विदाउट डेसिमल यानी कि इंटीजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 3 को पॉइंट के कितने जीरो के बाद है? यहाँ पर है, ऐसा है। इसको अगर नॉर्मल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितने अंक हैं उतने से गुणा और उतने से ही भाग करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 3/4000, ठीक है, 1000, 10000। तो आप बता सकते हो कि 3 का स्थानीय मान कितना है। तो इसके लिए अगली बार तो इसको कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं कि 4 का स्थानीय मान, तो 4 को यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने अंक हैं 4 के? 3, 1, 2, 3, तो इसका स्थानीय मान होगा ये। 5 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो 5/100। 0 का स्थानीय मान, ये नंबर यहाँ लिख लो, 2 और लिख लो, तो इसका स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5। देख सकते हैं आपके स्थानीय मान और जातीय मान शायद क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सैंतालीस सौ 44 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 149,250 रुपये में कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता है? इस सवाल को करने से पहले इन नंबर को थोड़ा कर लीजिए छोटा, इन नंबर को थोड़ा कर लीजिए छोटा। हमने कहा कि 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 33 रुपये में कम से कम कितने रुपये और मिलाने की आवश्यकता है? 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 33 रुपए में कितने रुपए और मिला लें कि इन लोगों को बराबर बराबर बांट सको? तो हमने कहा कि अगर 33 को 5 से भाग किया, 5 6 30, कितना बचा? 3। हमें बांटने के लिए कितना चाहिए? अगर 1 रुपए और बढ़ाओगे तो 5 रुपए चाहिए, हमारे पास है कितना? 3। तो हम कहेंगे कि हमको 2 रुपए और दे दो, हम इनमें बराबर बराबर बांट सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर छोटा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर नंबर बड़ा हो तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, तो क्यों ना
आपने 6 बार दिया है, आप 7 बार दे दो, 7 × 5 = 35 कितना बचा? 2। तो आप कह रहे हो कि भाई साहब हम पे 2 की कमी पड़ रही है, आप हमको 2 रुपए दे दो और हम इन लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे। अब इसको देखिए, नंबर लिखा है 149250, इसको 4744 से भाग करना है, तो इसको लगभग 4 × 3 = 12, 3 बार चला जाएगा, देखेंगे 4 × 3 = 12 = 2 = 1, 3 × 12 = 13 = 3 = 1, 7 × 28 = 29 = 9, तो 3 × 12 = 13 = 14। गलत हो गया, 3 × 12 = 2 = 1, 3 × 12 = 13 = 3 = 1, 7 × 21 = 22 3 × 12 = 13 = 14। ये आ रहा, इसका डिफरेंस करो, 5 में से 2 निकाले 3, 12 में से 3 निकाले 9, 8 में से 2 निकाले 6 और 0। ठीक है, अब एक बात कीजिए, 1 बार दे हुए तो बच जाएगा, तो 1 बार एक्स्ट्रा बार दे दो, 2 बार दे दो। आपने 2 बार किया, 2 × 8 2 × 8 2 × 7 = 14 + 4 = 1 और 4 × 2 = 8 और 1 = 9, कितना बच रहा है? 9488। आप इस चीज़ को 9488 में से 6930 घटा दो, 8 में से 3 निकाला 5 कितना हो गया? 14 में से 9 निकाला 5 और ये 2, 2558, अर्थात 2558 रुपये अगर हमको और दे दिए जाएँ या हम 149250 रुपये में 2558 रुपये और ऐड कर दें तो हम 4744 लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर ना हुई होगी, लेकिन ये चीज़ शायद क्लियर हुई होगी कि 33 को 5 लोगों में बांटना है, तो मैं ज़्यादा इसमें मिला हूं, तो मैंने 7 बार दे दिया, 35 कितना बचा? 2। आप यहाँ पर डायरेक्ट घटा दिया तो 35 में से 33 तो आप कह सकते हो 2, यहाँ पर नंबर थोड़े से बड़े थे तो आपको घटाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? यदि छोटा अंक 9 है तो एक अंक 4 है तो दूसरा अंक बड़े से बड़ा क्या मिला सकते हो? 9। इन दोनों के अंकों का योग कितना हो गया? 13। लेकिन करना है कितना? 14। क्या आप यहाँ पर कोई दूसरा 9 से बड़ा कोई अंक होता है? अगर 9 से अंक ऐसा मत करना कि 10। ये पहली बात तो 3 अंकों का हो गया और अंकों का योग भी 5 हुआ, अंकों का योग कितना चाहिए हमको? 14। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 9 होगी, क्योंकि इन दोनों के अंकों का योग कितना हो गया? 14। अब इसमें कह रहा है 36 मिला दिया जाए, 36 ऐड कर दिया जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। हम चेक करते हैं क्या 59 और 36 होता है 95, क्या अंकों का स्थान बदला? 59 से हो गया 95, क्या अंकों का स्थान बदला? हाँ बदला, जब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, अंकों का योग उन अंकों का योग 14 होने चाहिए, उसमें 36 जोड़ के अंकों का स्थान बदल जाना चाहिए, हमारा ऑप्शन से फुलफिल कंडीशन कर रहा है, तो आगे चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, शहर की जनसंख्या बताएं। उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है शहर की जनसंख्या, इसका 5वें भाग से 5000 अधिक है शहर की जनसंख्या। आप एक बात बताओ, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो 1100 के समथिंग आएगा। अरे इन दोनों को 5500 होता तो 1100 आता, 1100 5000 6100 होता है क्या? 5625 होता है? नहीं होता है। इसके 5वें भाग में 5000 ऐड करके क्या आपको 10000 मिलेगा? क्या 10000 मिलेगा? ये देगा 2000, 2000 में 5000 ऐड करोगे 7000 होगा, 10000 नहीं हो सकता। क्या इसके 5वें भाग में 5000 ऐड करके क्या आपको 6250 मिलेगा? आप चेक कर सकते हैं, ये आएगा 5 × 5 = 12 × 5 = 60 और 1250 में 5000 में ऐड कर दूं तो हाँ मेरे को 6250 मिलता है, तो ये ऑप्शन होगा सही। ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि इसके 5वें भाग में 5000 और जोड़ो, 5वां भाग करो, 800 आएगा, 800 में 5000 और जोड़ो, 5800 हो गया। कह रहा है कि 5000 जोड़ने के बाद 4000 मिल जाएगा, भाई कैसे हो जाएगा? अरे इसका 5वें भाग में 5000 जोड़ के 4000 मिल जाएगा, क्या कैसे हो जाएगा? 5000 तो ऐड ही कर रहे हो उसमें, 5000 से ज़्यादा आएगा कम नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3, अंग्रेजी में कितना मिला है? जितना अंकगणित का 1/3, अंकगणित का 1/3, अर्थात अंकगणित में जो भी नंबर मिले हैं वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले हैं, यदि उसने दोनों विषय में कुल 128 अंक प्राप्त किए हों तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले? हमको कह रहा है सवाल कि अंकगणित में जितने अंक मिले हैं उसका 1/3
इंग्लिश में मिला है, अंग्रेजी में मिला है। तो अंकगणित में हम ऑप्शन दे रखे, अंकगणित में कितने अंक मिले हैं, तो अंकगणित के ही ऑप्शन है। तो अंकगणित में अगर 96 मिले हैं तो 3 से कटना चाहिए, ये तो कट रहा है तो उसको होल्ड करते हैं। अंकगणित में अगर 64 मिले हैं तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 3 से विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 3 से विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो इन तीन गलत हो गए तो चौथे की मजबूरी हो गई। लेकिन आप फिर भी चेक कर सकते हो कि अंक गणित में अगर 96 मिले हैं तो इंग्लिश में 96 का 1/3 मिला है, और इन दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाए तो 128 होना चाहिए। 96 और ये हो जाएगा 32, 96 और 32 होता है 128। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुनी है तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या के अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाए। दो अंकों की एक तरीका तो यह है कि आप 10x प्लस y मान के करो, इसमें समय की बहुत सारी बर्बादी हो जाएगी। तो आप दो अंकों कोई भी नंबर मान लो, आप अपने मन से दो अंकों का कोई भी नंबर, 10 से लेकर 99 तक दो अंकों के नंबर ही होते हैं, आप कोई सा नंबर मान लो। मैंने कहा दो नंबर का अंक मैंने माना 12, दो अंकों का नंबर कौन सा माना 12। अगर दो अंकों का नंबर मैंने 12 माना तो कह रहा है इनके अंकों का योग कितना होगा 3। अंकों का योग कितना होगा कि k गुनी है, कितनी k गुनी है, तो आपको पता है 4 गुनी है, अरे 3 × 4 = 12 होता है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 4। अब मन में कह सकते हो ठीक है। आगे कह रहा है अंकों को आपस में बदल देने पर 12 को उल्टा करोगे क्या हो जाएगा 21, 12 को उल्टा करोगे क्या हो जाएगा 21। ये अंकों के योग के कितने गुनी है, ये पूछा कितने गुनी है, तो हमें नहीं पता, हम कह रहे हैं 7 गुनी है। अरे भाई 3 अंकों का योग कितना है 3, कितने गुनी है 7, तो 7 गुनी है, तो ऑप्शन में 7 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में 7 तो डायरेक्ट दे नहीं रखा है, कैसे दे रखा है k का यूज करके। अब देखो 7 कहाँ मिलता है, ये 9 प्लस के का मान 4, ये तो 13 हो रहा है, हमें चाहिए कितना 7, ये नहीं हो सकता। 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14, यानी कि 14, हमें चाहिए 7, तो ये भी नहीं हो सकता। आप इसको चेक करें 11 माइनस 4 ये देगा 7, हमको 7 ही चाहिए था, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, 4 4 में से निकाला 3, हमको चाहिए था 7, क्योंकि ये अंकों का स्थान बदल लेने पर अंकों के योग की कितनी गुनी है ये पूछा है, तो कितनी गुनी है 7 गुनी है, तो 7 होना चाहिए ऑप्शन में, डायरेक्ट दे नहीं रखा है लेकिन के का यूज करके आपको दे रखा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम में सवाल बनाना, लगभग सभी स्टूडेंट को आते हैं, आपको अपनी मेंटल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करनी चाहिए। आप मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग हो और आपको ऑप्शन का यूज करना आना चाहिए। आपके पास हथियार है, चलाना नहीं है तो क्या फ़ायदा, आपके पास क्या है हथियार, आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन है, तो क्यों ना ऑप्शन को हथियार बना लो। तो ऑप्शन को हथियार कैसे बनाओगे, जब उनका प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।